देखिए हम आज न्यू प्लेस पे घूमने आए हैं। ये सिमरौनगढ़ का मंदिर है। हजारों पुराना साल अपने राजदरबार बन गया। हजारों साल पुराना। आप ऐसे देखे कहीं? ये देखिए, ये मेरे दोस्त, ये मेरे भाई, ये हैं मेरे अंकल। बहुत ही पुराना। ये देखिए मंदिर का फुल नज़ारा ऊपर तक। ये बहुत दूर में फैला हुआ है। इधर देखिए गाय भैंस के बांधने के लिए बनाया हुआ है। ये देख सकते हैं इसमें राजा का चावल धुलाता था। ये नदी है, बहुत दूर में है, आगे दिखाई भी नहीं दे रहा है, देख सकते हैं। अपने आप खाना हुआ है, दानवराज खाना हुआ है। दानवराज ने खाना हुआ है, पूरा खन दिया, सारे बांध दिया, देख सकते हैं बहुत दूर में है। कितना भी लोग बहुत लंबा। ये स्कूल भी था इसके अंदर, राजदरबार में। ये राजा का एक मंदिर है। हाँ, ये तो आप देख ही चुके हैं, राजा का मंदिर बहुत साल पुराना है। बहुत साल पुराना भी है। जय तुलसी का पेड़। घंटी घंटा है ये, कितना बड़ा घंटी है। उधर भी एक है, एक और घंटी। इधर हनुमान जी का मंदिर है, और सामने एक और मंदिर है। अंदर लॉक है, ताला लॉक है। ये देख सकते हैं ये पीपल का पेड़ कितना बड़ा। ये पार्क हुआ करता था, बट अब जंगल बन चुका है पूरी तरह से। देख सकते हैं अंदर का नज़ारा कितना कितना खूबसूरत है। किला है एक। क्या चीज? अच्छा, सिक्योरिटी रहता था ये, राजा का सिक्योरिटी रहता था इसमें। आपको घूमने आना होगा तो आ सकते हैं, नेपाल में पड़ता है। नहीं बुलाना पड़ेगा, अब उभरता रहे कुछ काटे बाघ से बंद करे। तो कलकत्ता से जब चल रही राजा नाम मान लग बक्से वाले में आ, कलकत्ता से चल तो पटना में आ गए। सारा लोग पड़ल हो यहाँ छिटपुट पहुँचल तुम पहुँचल करिया करिया चाउर मिले खनम तो सोना जेवर सब मिले बढ़िया बढ़िया जाता मिली और कड़ाही खेत में होते माटी खुनित रहे तो बड़ी चुके जाता मिल रही। हम ननकम बोल बड़ा तेज बात 5 साल पहले के बात कहते हैं, 7 वर्ष के रहे कहते पिताजी है ना क्या बेटा ताल हुआ रही नहीं बहुत साल पुराना मंदिर है। यहाँ पे राजा बसता था। हो गया कितना राजा बसता था यहाँ पे, राजा रहता था। देख सकते हैं राजा का जो पार्क था जंगल में बदल चुका है।
अब देखिए पीछे का, ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा, लाइक इट व्यू। हिंदी नहीं बोली आवा रहा। सर ये मेरा भाई है, इनको हिंदी नहीं बोलना आता है, कोई बात नहीं। हिंदी बोले बोले नहीं। सो गाइस हम जा रहे हैं अब मेन गेट पे। सोना मिल जाएगा, देखियो सोना। थैंक यू गाइज, अब हम जा रहे हैं यहाँ से। थैंक यू।